नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डीजे में। दोस्तों, टेक की बात टेक डीजे के साथ किस एपिसोड में आज मैं बात करने वाला हूँ सैमसंग कंपनी की तरफ से मिलने वाले वायरलेस ब्लूटूथ ईयरफोन्स सैमसंग लेवल यू की। तो सबसे पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, साथ ही मैं इसके फीचर आपको बताता हूँ, उसके बाद मैं करूँगा खुद इनको टेस्ट और लास्ट में अपना वर्डिक्ट कि क्या आपको लेने हैं या नहीं लेने हैं। तो यह है सैमसंग की तरफ से मिलने वाला ब्लूटूथ स्टीरियो हेडसेट लेवल यू। काफ़ी अच्छी बॉक्स पैकेजिंग के साथ आता है सैमसंग जैसी बड़ी ब्रांड की तरफ से, और पीछे की तरफ इसमें कुछ फीचर और स्पेसिफिकेशन मेंशन करे हुए हैं। जैसे मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ, पहली जो चीज़ हमें मिलती है इसके अंदर से, ये मिलती है एक क्विक स्टार्ट गाइड, और इसमें प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। काफ़ी मोटी है, इसे आप तसल्ली से पढ़ भी सकते हो, और मैं इसको रख देता हूँ साइड में। इसके साथ ही हमें मिल जाते हैं एक एक्स्ट्रा विंग टिप। ये विंग टिप आपको काम आएंगे जब आप रनिंग या जॉगिंग करते हुए, कॉलिंग या फिर म्यूजिक आनंद लेते हो, उस समय आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, काफ़ी अच्छे से फिट हो जाता है आपके कान के अंदर। इसके बाद हमें मिल जाते हैं ये एक्स्ट्रा ईयर टिप, स्मॉल और मीडियम साइज़ के, आप अपने हिसाब से अटैच कर सकते हो। साथ ही हमें ये नेक बैंड मिल जाता है। नेक बैंड में बैक की तरफ लेवल की ब्रांडिंग की हुई है। नीचे की तरफ का ओवरव्यू मैं आपको बताऊं, ऑन ऑफ का बटन यहाँ पर दिया गया है। ऊपर की तरफ आपको मिल जाता है माइक्रो यूएसबी इनपुट इसको चार्ज करने के लिए। राइट साइड आपको बटन असेंबली देखने को मिल जाती है, 3 बटन असेंबली है जिसमें 6 टाइप से आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि वॉल्यूम प्लस के साथ ट्रैक को आप नेक्स्ट कर सकते हो, वॉल्यूम माइनस के साथ आप वॉल्यूम को माइनस भी कर सकते हो, और साथ ही ट्रैक को प्रीवियस भी कर सकते हो, यानी कि प्रीवियस ट्रैक पे भी जा सकते हो। और ये प्ले और पॉज का बटन, साथ ही आपका कॉलिंग के लिए एक्सेप्ट और डिसकनेक्ट का बटन ये दिया हुआ है। लेफ्ट विंग पर आप देखोगे कि सैमसंग की ब्रांडिंग की हुई है, उसके अलावा कुछ भी उस पर नहीं है। इसके जो ईयरबड हैं वो 12mm के ड्राइवर के साथ आते हैं, यानी कि आपको जो बेस इफेक्ट है काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि मार्केट में आपको 9mm से लेकर 12mm के बीच मिल जाते हैं। तो जितने अच्छे ड्राइवर, जितने बड़े ड्राइवर हों, उतना अच्छा बेस आपको देते हैं ये, और हाई क्वालिटी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा सैमसंग का मानना। और ये मैग्नेटिक ईयरबड हैं। साथ ही जो यहाँ पर आपको मिल जाता है बिल्ट इन माइक, नॉइज कैंसिलेशन और इको कैंसिलेशन के लिए मिल जाता है ये नेकबैंड, और ब्लूटूथ 4.1 कनेक्टिविटी के साथ आता है। और जैसे मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, यहाँ पर ये लाइट ब्लिंक कर रही है, और इसको पेयरिंग मोड में आने के लिए मुझे ये प्ले और पॉज का जो डेडिकेटेड बटन है इसको देर तक प्रेस करना होगा, और ये पेयरिंग मोड में आ गया है। इसके साथ ही मैं अपने जो डिवाइस है वहाँ पर ब्लूटूथ ऑन कर लेता हूँ, और इसका एक डेडिकेटेड ऐप भी आपको देखने को मिल जाता है सैमसंग का लेवल। सैमसंग लेवल आप इंस्टॉल करोगे जैसा कि मैंने किया है, और इससे आपको काफ़ी सारे फायदे मिल जाते हैं। जैसे ही मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, और ये जब कनेक्ट हो जाएगा तो ये देखिए पेयरिंग के लिए कह रहा है, और ये मैंने पेयर कर दिया है। एक बार बस आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसको कनेक्ट करने में, और जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा आप इसके मैनेज नोटिफिकेशन वाले पैनल में जाकर इसको ऑन कर सकते हो, और यहाँ से आपके जो नोटिफिकेशन है, यहाँ पर मैंने जैसे ही सैमसंग लेवल को नोटिफिकेशन एक्सेस की कमांड दे दी है, तो यहाँ पर ये आपको शुरू के जो 5 है, इनकमिंग, आउटगोइंग कॉल की, मिस कॉल की, अलार्म की, शेड्यूल की, तो ये सारे कुछ मिल जाते हैं आपको, तो काफ़ी इजी रहता है इसको यूज़ करना। और वॉल्यूम को भी आप यहीं से सिंक कर सकते हो, यानी कि आपको बार बार मोबाइल को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने हेडसेट से यानी कि नेक बैंड से ही आप इसको एक्सेस कर सकते हो। और ये देखिए एक बार कनेक्ट हो जाए तो काफ़ी जल्दी से रिकनेक्ट हो जाता है। ये देखिए मैं बार बार इसको डिसकनेक्ट कर रहा हूँ, फिर रिकनेक्ट कर रहा हूँ, तो काफ़ी ईजिली हो जा रहा है काफ़ी जल्दी से। तो ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी काफ़ी डिसेंट है। साथ ही मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो मैंने म्यूज़िक और कॉल का परफॉर्मेंस देखा वो किस टाइप का था, तो काफ़ी अच्छा मुझे देखने को मिला। मैंने दिन भर इसको यूज़ किया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसमें जो साउंड था, साउंड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ रही थी। कॉलिंग के टाइम मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था कि जो कॉलिंग थी काफ़ी अच्छी, वॉइस क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ रही थी सामने की। तो अब आगे हम अपने वीडियो के लास्ट सेगमेंट में, जहां पर मैं बात करूंगा इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। पहला एडवांटेज तो मुझे यही लगा कि जो इसके ईयर कुशन है, ईयरबड है, आपके कान के अंदर काफ़ी अच्छे से फिट बैठ जाते हैं और आपको टायर्डनेस नहीं होती, जैसे और भी कहीं वायर्ड और वायरलेस हेडफोन मैंने यूज़ किए थे इससे पहले भी, लेकिन काफ़ी सारों में ये दिक्कत आती है कि आप ज़्यादा देर तक म्यूज़िक नहीं सुन सकते, या ज़्यादा देर तक उनको अपने कान से अटैच नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इरिटेशन होती है, आपके कान में दर्द होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा, मैंने लगभग पूरे दिन इनको यूज़ किया और लगभग मैं 2-3 घंटे म्यूजिक भी सुना, 1-1.5 घंटे मैंने कॉलिंग भी करी और इन्हीं से करी है, तो इस मामले में मुझे काफी अच्छे लगे।
दूसरा एडवांटेज मुझे लगा साउंड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी काफ़ी डिसेंट है। अगर मैं स्पेशली लो की बात करूँ या बेस की बात करूँ, काफ़ी उभर के आ रहा था, और जो हाई और मिड्स हैं उनमें थोड़ा सा लैगिंग, उतना मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आप फुल वॉल्यूम पर इसे सुनते हो तो थोड़ा आपको कमी नज़र आती है, लेकिन अगर आप 70-80% वॉल्यूम पर या फिर 60% वॉल्यूम पर अगर रखकर सुनोगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये बहुत ही अच्छा इसमें म्यूज़िक, आपको सूदिंग म्यूज़िक सुनने को मिलेगा। तीसरा एडवांटेज मुझे लगा नॉइज़ कैंसिलेशन, नॉइज़ कैंसिलेशन काफ़ी डिसेंट है, और इसके जो ईयर कुशन है आपके कान के अंदर काफ़ी अच्छे से फिट हो जाते हैं और आपको बाहर की नॉइज़ नहीं सुनाई देती है अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हो या फिर कॉलिंग पे हो। मैं मार्केट में चलते चलते कॉल भी कर रहा था और सामने वाले को मेरी आवाज़ काफ़ी साफ सुनाई दे रही थी, इससे पता चलता कि इसका नॉइज़ कैंसिलेशन चाहे तो इसका ईयरबड हो या फिर माइक से भी ये काफ़ी अच्छे से कैप्चर करता है आपकी वॉइस। चौथा एडवांटेज लगा मुझे इसमें रेज बटन डिज़ाइन जो दिया हुआ है ये काफ़ी अच्छा है, यानी कि आप कहीं पर चल रहे हो आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं है कि मैं वॉल्यूम प्लस माइनस का बटन सही दबा रहा हूँ, मैं कॉल को डिस्कनेक्ट का बटन सही दबा रहा हूँ, आपको बार बार ये नोटिस करने की जरूरत नहीं है। आपको उभरे हुए बटन मिलते हैं और जो वॉल्यूम प्लस माइनस के हैं वो थोड़ा छोटे हैं, और जो आपका प्ले पॉज या फिर कॉल को डिस्कनेक्ट करने या एक्सेप्ट करने का जो बटन है वो थोड़ा अलग से दिया हुआ है। मैंने इससे पहले यूज़ किया है JBL का लाइव 200 BT, उसमें जो बटन थे इतने ज़्यादा उभरे हुए नहीं थे तो उसमें काफ़ी बार दिक्कत हो जाती है आपको, तो इस तरीके के जो डिज़ाइन है मुझे काफ़ी डिसेंटली पसंद आया। पर्सनली मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन बताऊँ तो मुझे इस टाइप का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा। पांचवा एडवांटेज मुझे लगा कि इसमें जो नोटिफिकेशन के लिए ऐप दिया हुआ है सैमसंग ने, आप सैमसंग लेवल यू जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये ऐप आप यूज़ कर सकते हो, और इसे यूज़ करके आप इसे पेयर करके और आपको सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी, जैसे कि SMS आपको आ रहा है या फिर किसी की कॉल आ रही है, कोई मिस कॉल हुई है, सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाती हैं। और इसके साथ ही मुझे एक और चीज़ अच्छी लगी कि जब भी इस पर कॉलिंग आ रही थी, किसी की कॉल आ रही थी, तो ये वाइब्रेट कर रहा था, ये भी एक अच्छा मुझे इसका पॉइंट लगा। ये तो थे इसके एडवांटेज, अब आते हैं डिसएडवांटेज की तरफ। सबसे पहला डिसएडवांटेज मुझे यही लगा कि जो इसमें प्ले टाइम है वो कम है कंपैरेटिवली अगर मैं और कंपनीज़ के जो ईयरफोन्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं इसी प्राइस रेंज में, जैसे कि OnePlus का हो गया बुलेट वायरलेस जेड, या फिर बोट का रॉकर्स 385, MI का नेकबैंड प्रो हो गया, इस टाइप के जो ईयरबैंड आपको मिल जाते हैं मार्केट में अवेलेबल हैं तो इसी प्राइस रेंज में, वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्ले टाइम प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि बोट का मैं जब बात कर रहा था रॉकर्स 385 40 आवर्स का प्ले टाइम आपको देता है, ऐसे ही OnePlus का बुलेट वायरलेस जेट 26 आवर का आपको प्ले टाइम देता है, और MI नेकबैंड प्रो की मैं बात करूँ तो ये भी आपको 20 घंटे का प्ले टाइम आपको प्रोवाइड कराता है, लेकिन सैमसंग का लेवल यू ये आपको 10 से 11 घंटे के बीच का प्ले टाइम आपको देता है। दूसरा जो डिसएडवांटेज मुझे लगा कि IPX रेटिंग के साथ नहीं आता, यानी कि स्वेट प्रूफ या फिर वाटर प्रूफ आप इसे नहीं बोल सकते हो, जैसे कि इसी रेंज में मिलने वाले और भी नेकबैंड आते हैं। तो अब बारी अपने फाइनल वर्डिक्ट की। दोस्तों मार्केट में काफ़ी और नेकबैंड भी आते हैं जो इसी प्राइस रेंज में आपको मिल जाएंगे, लेकिन मेनली मुझे इसलिए भी ये अच्छा लगा कि काफ़ी कंफर्टेबल डिज़ाइन है, आपके कान के अंदर काफ़ी अच्छे से फिट बैठ जाता है, साउंड क्वालिटी जो आपको मिलती है काफ़ी डिसेंट मिलती है, और भी जो फीचर हैं वाइब्रेशन, आप वाइब्रेशन नोटिफिकेशन आप बोलो या फिर कॉलिंग के लिए जो वाइब्रेशन इसमें होता है, उभरे हुए जो बटन का डिज़ाइन होता है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। स्पेशली अगर मैं स्वेट प्रूफ या फिर प्ले टाइम को अगर दरकिनार करूँ कि अगर मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, जैसे कि मैं एक दिन में लगभग आधे पौन घंटे म्यूज़िक सुनता हूँ, उसके साथ साथ कॉलिंग वगैरह हो जाती है एक आध घंटे की, तो अगर मैं इसको फुल चार्ज करूँ तो ये मेरे 4-5 दिन आसानी से चल जाएगा। लेकिन अब आपकी बारी है कि आपको किस टाइप के लिए चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा म्यूज़िक लवर हो या फिर बहुत ज़्यादा बातें करते हो फ़ोन के ऊपर, तो फिर आपको कंसिडर करने होंगे कोई और कंपनीज़ के भी। लेकिन अगर मेरी बात करूँ, मुझे स्पेशली इन सब बातों के लिए ये जो नेकबैंड है ये मुझे पसंद आया। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक हिट करें। आपकी कोई क्वेरी हो इस प्रोडक्ट से रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।